हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं कैफे स्टाइल चीज बर्गर। बनाने में बहुत ही आसान है और चीज बर्गर तो सभी का बहुत फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, आइए चीज बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। चीज बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल, और बाउल में 2 चम्मच हम ले लेंगे टमाटो केचप, 4 चम्मच के आसपास ले लेंगे हम मेयो, छोटा आधा चम्मच हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, छोटा आधा चम्मच ओरिगेनो डाल देंगे, छोटा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप यहाँ पे रेगुलर रूटीन में काम में आने वाला लाल मिर्च पाउडर भी यूज में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसलिए लिया है ताकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया से हमारा बर्गर का सॉस तैयार हो गया है। अब हम तैयार किए हुए सॉस को साइड में रख देंगे। बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है 4 ब्रेड स्लाइस, 1 जार लिया है। इसमें ब्रेड की स्लाइस को हम तोड़ करके इस तरह से डाल देंगे। चारों पीस मैंने तोड़ लिए हैं। अब हम ब्रेड को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया से हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के आलू बॉईल करके रखे हैं। आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू को मैश करने के बाद अब हम डाल देंगे तैयार किए हुए ब्रेड क्रम्स। अब हम डाल देंगे छोटा 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। धनिया पत्ती, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1/2 नींबू का रस। सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज हम कैफे स्टाइल चीज बर्गर बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप रेसिपी को एक बार ट्राई करके जरूर देखें। आज हम चीज बर्गर बना रहे हैं और चीज बर्गर के लिए हमने सॉस भी तैयार कर लिया है, और आलू की टिक्की तैयार करने के लिए हमारा मटेरियल भी बिल्कुल रेडी है। देखिए, आलू के डो में से हमने इस तरह से एक पार्ट निकाल लिया है, इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। और आलू हमारा टिक्की बनाने के लिए देखिए बिल्कुल तैयार है, हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से गोल कर लिया है। अब इसको हाथों से प्रेस करके और टिक्की की शेप दे देंगे। जो साइड से किनारे फट गए हैं उनको इस तरह से दबा देंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी आलू की टिक्की बनके तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी आलू की टिक्की तैयार कर लेंगे। आलू की टिक्की तैयार हो गई है, अब हम टिक्की को डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, तैयार की हुई टिक्की को हम ऑयल में डाल देंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम आहिस्ता से टिक्की की साइड को चेंज कर देंगे। देखिए, हमारी टिक्की बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हमने कढ़ाई से बाहर निकाल ली है। कलर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इसी तरह से सारी आलू की टिक्की को हम फ्राई कर लेंगे। सभी आलू की टिक्की हमारी रेडी हो चुकी हैं। आइए अब फटाफट से चीज बर्गर तैयार कर लेते हैं। चीज बर्गर बनाने के लिए हमारी सभी आलू की टिक्की रेडी हो चुकी हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। आइए अब फटाफट से हम बर्गर तैयार कर लेते हैं। बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है बर्गर बन, इसको बीच में से कट कर लिया है। सबसे पहले हम तवे पर बर्गर ब्रेड को सेक लेंगे। हल्का सा मैंने घी लगा दिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं वरना स्किप कर दें।
देखिए बर्गर ब्रेड भी हमारी रेडी हो चुकी है। आइए अब फटाफट से बर्गर बना लेते हैं। बर्गर ब्रेड भी रेडी है, आलू की टिक्की भी रेडी है और हमने यहाँ पे स्लाइस में खीरा, टमाटर और प्याज कट करके रखे हैं। बर्गर ब्रेड पर हम सॉस लगा देंगे जो हमने तैयार किया था। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। अब तैयार की हुई आलू की टिक्की लगा देंगे। बर्गर ब्रेड के दूसरे वाले पार्ट पे भी हमने सॉस लगा दिया है। आज हम बना रहे हैं चीज बर्गर और अभी तक हमने चीज तो इसमें यूज में ही नहीं ली है। यहाँ पे मैंने ली है चीज स्लाइस और चीज स्लाइस को हम आलू की टिक्की पर इस तरह से लगा देंगे और जो बर्गर ब्रेड है इससे कवर कर देंगे। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया बर्गर बनके तैयार हुआ है, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है। हमारा चीज बर्गर बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स चीज बर्गर बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।